ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दर्पण फटाफट के प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें, और ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। वक्त हो चला है दर्पण फटाफट का, तो देखते हैं दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 16 नवंबर को हुई एसएससी के छात्र लोकेंद्र की हत्या का मामला दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लूटे गए लैपटॉप और फोन बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली के सुंदरलाल जैन अस्पताल में दिव्यांग द ट्रूली स्पेशल चाइल्ड प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिव्यांग बच्चे और बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बताया गया कि दिव्यांग किसी भी कीमत पर किसी से कम नहीं है। प्रगति मैदान में चल रहा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इस बार साइज में काफी छोटा कर दिया गया है। प्रगति मैदान में चल रहे रिनोवेशन की वजह से इसका साइज छोटा हुआ है। आपको बता दें, हर राज्य को अलग से पवेलियन ना देकर इस बार हैंगर्स में जगह मिली है, जिसकी वजह से हर राज्य के बिजनेस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। मार्केट में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीमों में स्टेरॉयड और हानिकारक केमिकलों के प्रयोग को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि क्रीम में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेरॉयड की बिक्री पर रोक लगाई जाए। प्रद्युम्न हत्याकांड में आरोपी बस कंडक्टर के 76 दिन बाद हिरासत से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद वो अपने घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिया और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। गुरुग्राम में एक बार फिर प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला मंगलवार का है, जब 12 साल के प्रतीक की लूज मोशन लगने के कारण अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जिसके बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में फिल्म मणिकर्णिका के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कंगना रनौत चोटिल हो गई। आपको बता दें, इसके बाद शूटिंग रोकनी पड़ी थी। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी मणिकर्णिका का किरदार निभाते हुए कंगना रनौत को चोट लग गई थी। विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलु अब बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे बढ़त बना रही है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 16.56 करोड़ की ही कमाई की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते तक इसकी कमाई 19 करोड़ हो सकती है। भुवनेश्वर कुमार की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार और नुपुर की हल्दी और रिंग सेरेमनी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने अंडर-19 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए कूच बिहार ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 5 विकेट हासिल किए हैं। फिलहाल दर्पण फटाफट में इतना ही। अधिक खबरों की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दर्पण फटाफट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।